जी हाँ दोस्तों, मार्केट में फिर से एक नया मालवेयर की एंट्री हुई है जिसको हम कहते हैं जी टर्ग मालवेयर। तो यही है आज का टॉपिक दोस्तों। ये जो जी टर्ग होता है वो क्या होता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, तो इसके रिलेटेड कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बासुर, आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि टेक विद्वान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर सिक्योरिटी जायंट यानी कि जो कास्परस्काई है उनके बारे में अगर बात करता हूँ, तो उनके हिसाब से आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें दो तरह का एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मैजिक ब्राउज़ और दूसरा आपका एक नॉइज डिटेक्टर। तो ऐसे ही एप्लीकेशन में आपका जो जी टर्ग जैसे वायरस की नमूना पाए जाते हैं। और दोस्तों, मैं अगर डाउनलोड्स की अगर बात करता हूँ, तो मई 15 तक आपका जो मैजिक ब्राउज़र है वो तकरीबन 50,000 से ऊपर डाउनलोड्स हो चुके हैं, और आपका जो नॉइज डिटेक्टर है वो 20 मई तक तकरीबन 10,000 से ऊपर डाउनलोड्स हो चुके हैं। और दोस्तों, मैं अगर इस जो जी टर्ग वायरस के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में अगर बात करता हूँ, तो आपका ये जो दोनों एप्लीकेशंस हो गए जैसे कि मैजिक ब्राउज़र और आपका जो नॉइज डिटेक्टर, तो ऐसे ही एप्लीकेशन में छिप कर रहते हैं। जैसे ही आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो ऑटोमेटिकली ये वायरस भी आपके फ़ोन में आ जाते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एक बार अगर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके फ़ोन में, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है हैकर का जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, और दोनों कनेक्ट हो जाने के बाद एक लिंक क्रिएट हो जाता है, और जो भी कमांड देता है आपका जो सर्वर, जो हैकर का सर्वर, उसी के हिसाब से ये आपके फ़ोन के अंदर काम करता रहता है। तो दोस्तों, मैं अगर इसकी अगर इफेक्ट की अगर बात करता हूँ, तो नॉर्मली ये आपके फ़ोन में बहुत सारे अनाप चुनाप आर्स आपको देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। और दोस्तों, इसका एक खास फीचर है जो कि इसको सबसे अलग करता है, ये एक SMS फीचर यूज़ करता है। और आप देखे होंगे कि आपके फ़ोन में बहुत सारे सर्विस सब्सक्रिप्शन मैसेज आती है जो कि पेड सब्सक्रिप्शंस होते हैं, तो ऐसे ही मतलब जो सर्विस जो सब्सक्राइब कर लेता है यूज़र के बिना जानकारी के। मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके फ़ोन में अगर कोई भी SMS आता है कि इस नंबर पर SMS करें, आपको अगर डेली दो दो वीडियोस देखनी है, और दोस्तों आप उसके लिए 50 या 100 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन फी, तो ऐसे ही SMS को ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है, और करते हुए आपका जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसको ऑटोमेटिकली एक्टिव कर लेता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर जो पेड सर्विस सब्सक्रिप्शन होती है उसको करने के बाद आपका जो बिल होती है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे सर्विसेज को, जो पेड सर्विस होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, तो जिसकी वजह से आपका जो बिल अमाउंट होगी फ़ोन बिल का वो काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से आपका रुपए के मामले में काफ़ी भारी भरकम लॉस उठाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वायरस है ये इतना हरामी है कि आपका जितने सारे कन्फर्मेशन आपका, जैसे कि कभी आप देखे होंगे कि मैंने आप किसी भी पेड सर्विस को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, तो ऐसे ही SMS को ये क्या करता है, डिलीट कर देता है ताकि यूज़र को पता ना चले कि जी टर्ग जैसे वायरस उसके फ़ोन में है। तो दोस्तों, ऐसे वायरस से हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वायरस है काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस वायरस से आप बचना चाहते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिए, और किसी भी ट्रस्टेड सोर्सेज से जितने सारे एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड कर लीजिए, और जितने सारे अनट्रस्टेड सोर्सेज से होते हैं उसको इग्नोर कर दीजिए। और दोस्तों, आपके फ़ोन में अगर आपको डर लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, वायरस अटैक हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जितने सारे सर्विसेज को सब्सक्राइब किए हुए हैं या नहीं किए हुए उसके बारे में आप एक बार जानकारी ले लीजिए, ताकि आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या क्या सर्विस लिए हैं पेड सर्विस और क्या क्या नहीं लिए हैं, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकता है कि ये आपका जो वायरस है ये अफेक्ट किया है या नहीं किया है। और दोस्तों, अगर ऐसे किया है तो तुरंत जितने सारे पेड सर्विसेज एक्टिवेट हुआ है आपके नंबर पे, तो उसे आप अनसब्सक्राइब कर लीजिए, उसको काट दीजिए, ताकि आपका जो भारी भरकम लॉस होने वाला था वो आपका बच जाएगा, नहीं तो इतना सारा लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा, इतना भारी भरकम का जो बिल आ जाएगा, फिर आप उससे भरते भरते उसी बिल को भरते भरते आप हो जाएंगे कंगाल। तो दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहिए, और जितने सारे एप्लीकेशन वगैरह है जैसे कि आपका जो मैंने नाम बताया, आपका जो नॉइज डिटेक्टर और आपका जो मैजिक ब्राउजर जैसे एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में वैसे है, तो प्लीज़ उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो फिलहाल आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ रोजाना मैं लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए उतना ही, नमस्कार, जय हिंद।